हेलो। हेलो। अरे अरे बार बार फोन क्यों काट रहे हो? ऐसा तो मैं भूतली नहीं हूँ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। ऐसी क्यों काट रहे हो डर के बार बार फोन? मैंने बस ऑफिस का एड्रेस मांगा है, ना कि देखिए ज्यादा मैम बड़ा ने कुछ। क्या बोला, मैम देखिए मैंने आपकी कोई भी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की, आप बताइए क्या मैं बार बार कॉल काट रहे हो, मैंने 4-5 बार कॉल कर लिया कि अपना ऑफिस का एड्रेस क्या दे कह रही दो। है मैम आप और रवि बताइए। कुमार का कॉल, तुमने लोन दिया है तो किस माध्यम से दिया है ये बता दो मुझे। दो सवालों के आंसर दे दो बहुत अच्छे से। एक तो अपना पर्सनल नंबर मैम दे दो, देखिए एड्रेस दे दो, और रवि कुमार को मैम लोन किस माध्यम से दिया है रिक्वायरमेंट ये बताओ मेरे को, अपनी वरना फिर मैं आ रही हूँ वहीं पे रिक्वायरमेंट जहाँ पे आप अपनी बैठे हो ना, मैं वहीं पे आ रही हूँ 50-60 आदमियों को लेके। फिर आपका ऑफिस भी टूटेगा, मैम आप भी आना टूटोगी, आप भी टूटोगी, और फिर कहीं के लायक नहीं रहोगे आप, हड्डी पसली तोड़वा के रहोगे। और पुलिस को अलग से लेके आऊंगी कि यहाँ पे फ्रॉडिंग का काम हो रहा है, दलालों वाला काम हो रहा ठीक है, है यहाँ मैम पे चंदा मांगने का। आपने बोल लिया मैं बोलूं, नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। मेरे मैम सवालों का जवाब जब सब दो, कुछ आप मेरे ही सवालों का बोलेंगी जवाब दो। मैम तो हम मैं, जवाब आप कैसे देंगे फालतू आपका में नहीं बोल सवालों सकते, मेरे सवालों का जवाब दो। जो मैंने पूछी है ना वो दो। अपने ऑफिस का एड्रेस बताओ मेरे को, और रवि कुमार को मैम लोन तुमने किस माध्यम से दिया, अकाउंट से दिया, पेटीएम से दिया, गूगल पे से दिया, ये बताओ मेरे को। ये दो चीज जाननी है, एक तो आपके ऑफिस का एड्रेस और किस माध्यम से लोन दिया, बोलो किस तो आप माध्यम से बोलने दिया। देंगे नहीं मैम तभी तो आपके सवालों का जवाब देंगे हम, बोलो आप ना ही बोलने तुम, जा अरे रही है तो कैसे जवाब बोल देंगे बोल हम ना उसके। तू, आया किस माध्यम से लोन दिया तूने ये बता पहले ज्यादा तो मेरे को। हेलो एक्सटेंशन प्लीज आइडिया। रिक्वायरमेंट हेलो मैम उनकी रिक्वायरमेंट थी लोन के लिए इसलिए कंपनी ने उनको लोन प्रोवाइड किया। थी, करी थी उसने, पर लोन नहीं लिया उसने। उसकी सैलरी आ चुकी थी उस टाइम तक, उसकी सैलरी आ चुकी थी इस टाइम तक। मैंने ये नहीं पूछा कि हाँ रिक्वायरमेंट करी थी या नहीं, मैंने सीधा ये पूछा था किस माध्यम से लोन दिया तुमने उसे। किस माध्यम से लोन नहीं दिया जाता है, कंपनी ट्रांसफर करती है उनके अकाउंट में। अकाउंट अकाउंट नंबर बताओ तो मुझे, बताओ तो मुझे किसका अकाउंट नंबर बताएं हम, रवि कुमार का। रवि कुमार का अकाउंट नंबर बताएं। हाँ हाँ जल्दी बताओ मुझे, बताओ हेलो मुझे रवि किसका कुमार का अकाउंट अकाउंट नंबर है नंबर। मैम, नहीं किसका अकाउंट नहीं बताओ मेरे को, पूछना है मेरे को अकाउंट ज्वाइन करना। नंबर बता। बोल अरे कहाँ चली गई, बोल। हेलो हेलो बता अकाउंट नंबर। अरे सॉरी मैम हम उनका अकाउंट नंबर आपको नहीं बता सकते। जब तुमने लोन ही नहीं दिया, एक नंबर की फ्रॉड है, इसलिए तो तुम्हें डर लग रहा है अकाउंट नंबर बताते हुए। तुम्हें पता ही नहीं है उसका अकाउंट नंबर, तो लोन सॉरी किस मैम माध्यम से उनका दिया, अकाउंट लोन नंबर, किस उनका माध्यम अकाउंट से नंबर दिया। नहीं मैंने बता सारी वीडियो आपकी वायरल कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, जाके देख लो, एक नंबर की फ्रॉड हो तुम, सकते। अच्छी एक बात नंबर है की मैम फ्रॉड। आपने एक कर दिया है, पॉइंट पे जाके ना देख लो वीडियो अपनी, ठीक है? ठीक है ओके थैंक यू टू कॉल कैसी हैव ए नाइस डे मैम। हैव ए नाइस डे। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तुम थैंक यू लोगों को परेशान करोगे यार, बोल रहे हो हैव ए नाइस डे। मैम, परेशान हम आपको नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। ओ अच्छा, मेरे नंबर पे तुम मैसेज भेजोगे उसके रेफरेंस पे, तो मैं तुम्हें परेशान भी ना करूं। और झूठे मैम लोन हमने का, आपको बता झूठा दिया लोन इसकी बना रखा है इम्पोर्टेंस की तुमने, बात की, झूठा आपको लोन, इतना झूठा आपने लोन, बिजनेस में फ्रॉड का इतनी बना नहीं रखा है थी। तुमने, सारा फ्रॉड चल रहा है, इसीलिए तो डर लग गया, तेरी फट गई बताते हुए अकाउंट नंबर। बता नहीं सकते हम, जब पता ही नहीं है तेरे को तो बताएगी क्या, पता ही नहीं तेरे को। और ये वीडियो भी मैं वायरल करूंगी कि हाँ भाई अकाउंट नंबर